नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ की ड्राइवर भर्ती से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें। तो भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी बेहद परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान इस भर्ती को लेकर के है कि फिजिकल कब तक शुरू हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि आखिरकार इस भर्ती में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हुए, क्योंकि लगभग बात करें तो जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती आई थी तब से लेकर के ड्राइवर का क्रेज थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और कई लड़के इस चीज को लेकर के परेशान है कि ज्यादा फॉर्म भरे गए तो कई लड़के ये सोच रहे हैं कम फॉर्म भरे गए। और दूसरी बात करें तो लगातार मैसेज और कमेंट ये भी आ रहे हैं कि आरटीआई का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, और आरटीआई का रिप्लाई अगर आ रहा है तो अभी तक वीडियो सामने देखने को क्यों नहीं मिला है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कि दोस्तों सीआईएसएफ की ड्राइवर भर्ती से संबंधित सारी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा परेशान है कि आखिरकार इस भर्ती में कंपटीशन कितना देखने को मिलेगा। तो बड़ी बात ही रहने वाली मेरे दोस्त की, इस भर्ती में कंपटीशन आपको बहुत कम न के बराबर आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस भर्ती में फॉर्म कम अप्लाई, और कम अप्लाई होने का एक तो बड़ा रीजन ये है कि जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी तो उस समय 3 से 4 दिन साइड ही नहीं चली। और दूसरी बात है कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से भी इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुए। लगभग आंकड़े की बात करें कि लगभग कितने फॉर्म भरे गए, तो अप्रोक्स लगभग मेरे दोस्त 60,000 का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, कि 60,000 के आसपास फॉर्म आपको इस भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या 60,000 ही फॉर्म इस भर्ती में भरेंगे, तो मेरे दोस्त बहुत कम फॉर्म भरेंगे इस भर्ती में। आपके लिए सिलेक्शन लेने का बहुत ही बेहतरीन मौका है, और अगर आप भी चाहते हैं मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना, तो सभी को पता है कि फिजिकल होगा पहले, और फिजिकल के साथ में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल तो लगभग लड़के पास करने वाले, डॉक्यूमेंट में भी लगभग लड़के पास होंगे। डॉक्यूमेंट में जिनका लाइसेंस बाद का बना हुआ है वो लड़के फेल होने वाले, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू हो सकता है। बाकी दिक्कत लड़कों का ही होने वाली कि ट्रेड टेस्ट है वो आपका, बात करें तो हाई लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ का जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी। और अगर आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट पास हो गया तो आपकी 90% नौकरी पक्की होने वाली है। अब दोस्तों बात करें, अगर आप भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, यानी कि कल से नया बैच शुरू हो रहा है। दूसरी बात करें तो दोस्तों 18 तारीख से भी हमारा नया बैच शुरू हो सकता है, तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नए बैच में। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको तैयारी करवाई जाती है। ये सेंटर आपका सीकर राजस्थान में है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि क्या जून में फिजिकल कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कई लड़के इस चीज को लेकर बैठे थे कि 28 मई को फिजिकल शुरू होने वाला है, तो कई लेकर बैठे कि 2 जून को फिजिकल शुरू होगा। तो मेरे दोस्त मई की उम्मीद छोड़ देना, मई में आपका फिजिकल 1% भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ना तो आरटीआई का रिप्लाई है, और सीआईएसएफ सीआरपीएफ ऐसे डिपार्टमेंट है जो कभी आरटीआई का रिप्लाई देते भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कब तक आपका ट्रेड टेस्ट या फिजिकल कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो मेरे दोस्त जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कई लड़के इस चीज को लेकर के परेशान होंगे कि आरटीआई का रिप्लाई नहीं आएगा तो कैसे पता चला कि जून में फिजिकल हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त सीआईएसएफ अभी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में सारी भर्तियां जल्दी जल्दी निपटाने में लगी है, तो आपका अभी यही भर्ती रही है ड्राइवर की, तो आपका भी इस बार नंबर देखने को मिलने वाला है। जून का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की मेरे दोस्तों आज से तैयारी में जुट जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको लेटेस्ट जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।